बार बार इम्प्लांटेशन फेल हो रहा है या फिर किस वजह से आपको प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं लेकिन फिर पीरियड आ जा रहा है, क्या कारण है ऐसा? यहाँ पे मैं आप लोगों को संक्षेप में बताने की कोशिश करूँगी कि किस चीज़ की ज़रूरत है आपको। आपको जो भी ये लक्षण दिखते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं और पीरियड आ जाता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और क्या उपाय करना चाहिए आपको। हर महीने आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिख रहे हैं, इट मीन्स कि आपका निषेचन हो रहा है, यानी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इम्प्लांटेशन हो जा रहा है। इम्प्लांटेशन जब हो रहा है, यानी कि जो इम्प्लांटेशन तक आपका प्रोसेस पहुंच रहा है, यानी कि एम्ब्रो आपके यूट्रस की दीवार पर चिपकना चाह रही है, थोड़ा बहुत चिपक जा रही है और फिर वहाँ से वो निकल के पीरियड के माध्यम से बाहर आ जा रही है। जब चिपकती है तो आपके प्रेगनेंसी के हार्मोन्स बनने शुरू हो जा रहे हैं, इम्प्लांटेशन फेल हो जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? यहाँ पे मैं आप लोग बता दूँ कि जो एम्ब्रो है वो चिपकने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे जो दीवार बनी हुई है, वो जो परत है वो मजबूत नहीं है, वहाँ पे जो परत बनी हुई है वो काफ़ी कमज़ोर है और वो इस एम्ब्रो को, उस एम्ब्रो के भार को नहीं सह पा रही और साथ में इस वजह से जो है इम्प्लांटेशन फेल हो जा रहा है। ये क्यों मजबूत नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि आपके प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स हैं वो नहीं बन रहे हैं। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है, जो कि गर्भ को टिकने में सहायक होता है, गर्भ को टिकाने में, पूरे अगर बात करें तो वो बॉडी गार्ड का काम करता है गर्भ के लिए पूरे 9 मंथ तक, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स ही नहीं बन रहा है और इस वजह से आपका इम्प्लांटेशन बार बार फेल हो जा रहा है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को एक ही लेवल में आए और गर्भ रुक पाए, इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को सही लेवल में लाना है अपने डाइट से। बहुत सारी महिलाएं प्रेगनेंसी जब कंसीव करने के बारे में सोचती हैं तो डॉक्टर्स उनको आयरन और जिंक के टैबलेट्स देते हैं, सप्लीमेंट्स देते हैं। क्यों? क्योंकि उसी वजह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो है वो बढ़ता है। या तो आप आयरन और जिंक के सप्लीमेंट प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले से ही शुरू कर दीजिए, या फिर आयरन और जिंक वाले फूड आपको, जिसमें आयरन ज़्यादा मात्रा में और जिंक ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो फूड खाना चालू कर दें प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले ही। तो इससे क्या होगा कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है, जैसे ही आपका फर्टिलाइजेशन होगा ओवुलेशन डेज में, वहाँ से इम्प्लांटेशन तक जब एम्ब्रो पहुँचेगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बनना शुरू हो जाता है। तो जब आयरन और जिंक आपके बॉडी में मौजूद रहेगा तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स अपने आप बनना शुरू हो जाएगा और एम्ब्रो खुद अटैच हो जाएगा, दीवार मजबूत हो जाएगी, वो अटैच हो जाएगा, फिर वहाँ से वो नहीं निकलेगा, इम्प्लांटेशन फेल नहीं होगा। मैग्नीशियम वाले फूड भी स्टोन हार्मोन्स को बढ़ाने में काफ़ी सहायक होते हैं, जैसे कि आपको बीन्स, पालक, साबुत अनाज, सूखे मेवे, ये सारा कुछ ले सकती है, फिश ले, आयरन के लिए केला खा सकते हो। आपको अपने डाइट में जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन ई, ये पांचों जो भी डाइट ले, इन पांचों का होना बेहद ज़रूरी है। ये किस चीज़ में मिलेंगे? फूड चार्ट बहुत सारा गूगल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से सर्च करके जो आपके घर में मौजूद है आप वो खा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि महंगे महंगे सप्लीमेंट्स ही लेके आप इन सारे पोषक तत्वों को पूरा करेंगी। मौजूद है जिसमें ये पांचों पाया जाता है, आप वो चीज़ें आज से ही शुरू कर दे खाना और पर्याप्त मात्रा में खाएँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट करते जाएँ। धन्यवाद।